अब ये देखिए, आईडी नंबर यहाँ भी सिलेक्टेड है, आईडी नंबर यहाँ भी सिलेक्टेड है। अब मैं जाके इसको ड्रॉप डाउन से मैं बोथ कर देता हूँ और कर देता हूँ ओके। अब मैं जाके देखता हूँ मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ कि नहीं। हम आ गए अपने पावर बीआई के पार्ट 16 में। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सर पावर बीआई के मॉड्यूल कंप्लीट करो, तो मैं आप लोगों के लिए अब पावर बीआई के मॉड्यूल कंप्लीट करने वाला हूँ। हम आ गए पावर बीआई के पार्ट 16 में। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं पावर बीआई में, और रिलेशनशिप का क्या मकसद होता है पावर बीआई में। आप लोगों ने पावर बीआई में बहुत अलग अलग एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं, मगर वो एक्सेल फाइल आपस में तभी बात कर पाएंगी अगर आप उनका रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मुझे लाइव चैट करना चाहते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में जब भी कोई भी वीडियो आने वाली होती है उससे पहले मैं इंस्टाग्राम में अपडेट दे देता हूं कि ये वाली वीडियो इस डेट में आने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता लग जाएगा कौन सी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए ये रही आईडी, टेलीग्राम में फॉलो करने के लिए ये रही आईडी। आप इन दोनों में आप मुझे फॉलो करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और अपने पार्ट 16 सीख लेते हैं। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब जो हम सीखने वाले हैं वो उसकी शीट्स अलग हैं। मैंने आप लोगों के लिए तीन अलग अलग शीट्स बनाई हैं। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उन शीट्स का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को रिलेशनशिप क्या होता है एंड टू एंड समझ आ जाएगा। तो मेरे डेस्कटॉप में तीन शीट्स हैं, मैं सबसे पहले उन शीट्स को अपने पावर बीआई में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं गेट डेटा में गया, अपने होम टैब में गया, गेट डेटा एक्सेल में क्लिक किया। अब मेरे जो शीट्स हैं उनके नेम ये रहे, कार प्रोड्यूस, कार सोल्ड और प्रोडक्ट टाइप। तो सबसे पहले मैं कार प्रोड्यूस को ले लेता हूँ। मैंने ओपन कर दिया कार प्रोड्यूस को, मैंने सिलेक्ट किया और लोड कर दिया। आप एक बारी में पूरे का पूरा फोल्डर भी लोड कर सकते हो, बट मैं आपको इंडिविजुअली लोड करके दिखाऊंगा। ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मेरे साथ रहना क्योंकि आपको एंड टू एंड रिलेशनशिप आज वीडियो में समझ आ जाएगा। इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं उसके बाद हम सीधा डैक्स फॉर्मूला सीखेंगे। तो हमारी पहली फाइल अपलोड हो गई है। मैं फिर से होम में गया, मैंने गेट डेटा में क्लिक किया, एक्सेल में क्लिक किया, मैं कार सोल्ड में क्लिक किया और ओपन, और यहां पे मैंने टिक कर दिया और लोड डेटा। तो यहां पे हमारी दूसरी फाइल लोड हो गई। फिर से थर्ड फाइल के लिए गेट डेटा एक्सेल, मैंने प्रोडक्ट टाइप में क्लिक किया और ओपन, और जो भी इसमें है मैंने उसे कर दिया लोड। तो अब इन तीनों फाइलों में बेसिकली है क्या, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इन तीनों फाइलों में क्या क्या है। सबसे पहले जो कार प्रोड्यूस है उसमें क्या क्या है, उसमें हमारे पास तीन कॉलम्स है। एक कॉलम में आईडी नंबर है, दूसरे में कार प्रोड्यूस, कितने कार प्रोड्यूस हुए हैं उस आईडी के और कौन से साल में हुए हैं तीसरे में। तो ये हमें समझ आ गया कार प्रोड्यूस में है क्या। अब कार सोल्ड में देख लेते हैं हमारे पास है क्या। कार सोल्ड में भी हमारे पास एक आईडी नंबर है, सेकेंड कार सोल्ड है और थर्ड में ईयर है। और हम लास्ट वाले में देख लेते हैं क्या क्या है। लास्ट वाले में हमारे पास फिर से आईडी नंबर है और कलर है, बट अब आप देखिए लास्ट वाले में आपके यहाँ पे कॉलम नेम आ रहे हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू, बट हमें हेडर्स चाहिए। तो इनको चेंज करने के लिए मैंने पुरानी वीडियोस में आपको सिखाया था कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूं। मैंने सबसे लास्ट वाली शीट को सिलेक्ट किया जिसमें प्रोडक्ट टाइप था, और होम टैब में आया, होम टैब में आया और एक्सट्रीम राइट में गया, वहां पे है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, मैंने क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसने फर्स्ट रो को हेडर्स ले लिया। तो हमारा डेटा यहाँ पे हो चुका है, मैं इसे कर देता हूँ क्लोज एंड अप्लाई, और मैं आ जाता हूं अपने पावर बीआई के विजुअलाइजेशन वाले पेज। ओके, तो अब मैं एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन बनाता हूं। तो लेट्स टेक, मैं एक विजुअलाइजेशन बनाता हूं कार प्रोड्यूस का। मैंने ये यहां पे ले लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने आईडी नंबर को एक्सेस में ले गया और कार प्रोड्यूस को मैं वैल्यू में ले आया। अब
मैं एक और वैल्यू लेके आऊंगा जो कि मेरा होगा कार सोल्ड से। तो मैं यहाँ पे गया कार सोल्ड में, तो मैंने कार सोल्ड का डेटा उठाया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, बट यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन ठीक से पॉपुलेट नहीं हुआ। क्यों? चलिए हम एक और विजुअलाइजेशन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, विजुअलाइजेशन के टैब में क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं कार सोल्ड को, अब मैं जो डेटा ला रहा हूँ मैं कार सोल्ड से ला रहा हूँ। तो मैंने कार सोल्ड की डेटा मैं वैल्यूज में ले आया, मैं आईडी नंबर उनका एक्सेस में ले गया, और मैं कार प्रोड्यूस से कार प्रोड्यूस का जो भी डेटा है मैंने उठा के ड्रैग करके फिर से वैल्यूज में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दोनों में एक एक स्टैंडर्ड लाइन है, बट ये ठीक से डेटा नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये तीन एक्सेल फाइल्स को लिंक नहीं किया है, रिलेशन नहीं बनाया है। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं? अब मैं इन तीनों फाइलों को ओपन करता हूं और आप लोग इन तीनों फाइलों में देखिए कौन सी एक चीज कॉमन है। अब इन तीनों फाइलों में मुझे एक चीज जो कॉमन दिख रही है वो है आईडी नंबर। ये देखिए कार प्रोड्यूस वाले एक्सेल फाइल में आईडी नंबर है, सेकंड कार सोल वाले एक्सेल फाइल में आईडी नंबर है, और प्रोडक्ट टाइप वाले में भी आईडी नंबर है। मतलब अगर मैं इन तीनों को एक रिलेशन दे देता हूं तो शायद ये डेटा कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि इस वाले विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं कार जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बिल्कुल एकदम सीधा, और इसमें जो कार सोल्ड है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। मतलब ये मिसमैच है, क्योंकि ये रिलेशन इन दोनों का आपस में बिल्ड नहीं हुआ। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में आना है। सबसे ऊपर आपके पास रिपोर्ट है, सेकंड आपके पास डेटा है, थर्ड है मॉडल। तो अब आपको मॉडल में क्लिक करना है। मैंने कर दिया मॉडल में क्लिक। अब देखिए यहां पे मेरे पास कार प्रोड्यूस है, कार सोल्ड है, और ये प्रोडक्ट टाइप मैंने यहां पे डाल दिया। अब इन फाइल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? मुझे पता है इन तीनों में जो कॉमन है वो है आईडी नंबर। अब आईडी नंबर को आपको एक दूसरे से लिंक करना है। कैसे? अब आईडी नंबर को आप ड्रैग करिए जहां पे भी आपका आईडी नंबर दिखे, दूसरे शीट में, दूसरे लिंक में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तीन फाइल्स हैं, यहां पे मुझे तीन ही फाइल्स दिख रही है। अब यहां पे मेरा आईडी नंबर है, आप ड्रैग करिए और आईडी नंबर के ऊपर आके ड्रॉप कर दीजिए। तो जैसे ही आप आईडी नंबर के ऊपर आके ड्रॉप करेंगे वो एक रिलेशन बना देगा आपस में। आप यहां पे देख सकते हैं ये रहा। अगर आप इस रिलेशन में क्लिक करेंगे तो दिखा देगा आपका इन दोनों फाइल में किस चीज से रिलेशन इंटरलिंक्ड है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे रिलेशन बना दिया है। क्या हमारा विजुअलाइजेशन थोड़ा ठीक हुआ है? चलिए चल के देख लेते हैं। मैं वापस अपने डेटा में गया। ओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो रिलेशन बनाया है वो बनाया है कार प्रोड्यूस और प्रोडक्ट टाइप में। हमने कार प्रोड्यूस और कार सोल्ड में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनाया, तो हमारे ये कैसे पॉपुलेट होगा? तो हम वापस अपने चलते हैं मॉडल में, और ये देखिए यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने कार प्रोड्यूस से मैं प्रोडक्ट टाइप में मैंने एक रिलेशन बनाया। अब मैं प्रोडक्ट टाइप से ड्रैग करके कार सोल्ड में सेम आईडी नंबर वाला रिलेशन ड्रॉप कर देता हूं। तो अब आप यहां पे देखिए यहां पे मेरा रिलेशन बन गया है। मतलब इन तीन फाइल आपस में रिलेट है। मगर अब हम जाके वहां देखेंगे क्या दोनों विजुअलाइजेशन ठीक हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं वापस रिपोर्ट व्यू में गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कार प्रोड्यूस वाला जो पहला वाला हमने विजुअलाइजेशन बनाया था इसमें हमारे ग्राफ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये देखिए यहां पे हमारा कार सोल्ड भी दिख रहा है, पहले सारे के सारे कार सोल्ड ऊपर थे, अब नॉर्मल लेवल में आ गए हैं कार सोल्ड की वैल्यू और कार प्रोड्यूस की वैल्यू। मगर ये वाला व्यू ठीक क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको बता दूं ये वाला व्यू इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक रिलेशन ठीक से बिल्ड नहीं किया। मैं वापस अपने मॉडल में जाता हूं। आप लोग बोल रहे होंगे हम बार बार ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप लोगों को बेस्ट समझ आए कि हम लोग टॉगल जो कर रहे हैं
उससे आप लोगों को बेस्ट समझ आएगा, इसलिए मैं टॉगल कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे आप एक आइकन देख सकते हैं जिसमें अप एरो भी है, डाउन एरो भी है। इसका मतलब कार प्रोड्यूस ने प्रोडक्ट टाइप के साथ रिलेशन कर लिया है। सिमिलर केसेस में प्रोडक्ट टाइप ने भी कार प्रोड्यूस के साथ रिलेशन कर लिया है। मगर इस केस में क्या है, इस केस में प्रोडक्ट टाइप ने कार सोल्ड के साथ रिलेशन किया है, मगर कार सोल्ड ने अभी तक प्रोडक्ट टाइप के साथ रिलेशन नहीं किया, इसीलिए वो वहां पे चेंज नहीं हुआ। तो अब इस रिलेशन को हमें बिल्ड करने के लिए क्या करना है, ये जो एरो है इस एरो में आपको कर देना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास एडिट रिलेशनशिप आ जाएगा। अब एडिट रिलेशनशिप में आपने सीधा सबसे नीचे जाना है, यहां पे आप देख सकते हैं क्रॉस फिल्टर्ड डायरेक्शन। तो इस क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन में, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में अभी तक लिंक्ड है, हमें डबल डायरेक्शन में लिंक करना है, तो आपने ड्रॉप डाउन को क्लिक किया, आपने बोथ क्लिक किया और आपने अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहां पे देखिए ये डबल एरो बन चुका है। इसका मतलब अब हमारी तीनों फाइल आपस में इंटरलिंक्ड है, कार प्रोड्यूस प्रोडक्ट टाइप से, प्रोडक्ट टाइप कार सोल्ड से, कार सोल्ड प्रोडक्ट टाइप से। तो इसका मतलब ये तीनों फाइल हमारी आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम जाके देखेंगे कि वहां पे रिलेशन वर्क कर रहा है। मैं रिपोर्ट व्यू में चले जाता हूं। वाओ, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा दोनों के दोनों रिलेशन बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, आप पूरा पूरा यहां पे देख पाएंगे। तो यहां पे हमने सीख लिया हम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। अगर कभी आपका रिलेशनशिप गलत बिल्ड हो जाए उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। ओके, तो वापस हम अपने मॉडल में चले जाते हैं। लेट्स टेक, मैंने ये रिलेशन को कर दिया डिलीट और अब मैं रिलेशन एक बिल्ड कर रहा हूं कार आईडी को कलर से, जो कि रिलेशन नहीं है, बट मैंने फिर भी बिल्ड कर दिया। अगर आपको देखना है आप इसी में माउस ले जाइए और देखिए यहां पे आपका कार आईडी हाईलाइट हो गया और कलर हाईलाइट हो गया। तो अब इन दोनों को आपको पता है कि ये दोनों गलत लिंकेज हैं, ये दोनों बिल्ट नहीं होने चाहिए ऐसे। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसमें ही डबल क्लिक करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम अपने ग्राफ में जाके एक बारी चेक कर लेते हैं क्या हमारा ग्राफ करेक्ट वैल्यू शो कर रहा है। मैं वापस अपने रिपोर्ट टैब में गया, ये देखिए इसमें इसने बिल्कुल गलत वैल्यू दे दी, क्योंकि हमने लिंकेज क्या करी है, हमने रिलेशन क्या दिया है, आईडी को हमने कार से रिलेशनशिप दे दिया जो कि बिल्कुल मैच नहीं होता। तो इसीलिए यहां पे भी हमारा ग्राफ बिल्कुल गलत आ रहा है। मैं वापस अपने मॉडल में आ गया, अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा आईडी को कलर से। तो मैं फिर से इस वाले जो रिलेशनशिप है जो हाईलाइट होने के बाद दिख रहा है आपको, इसमें डबल क्लिक करता हूं। अब आपको दिख रहा है मेरे पास जो मेरे पहली शीट है कार प्रोड्यूस, उसमें आईडी नंबर हाईलाइटेड है, मगर सेकंड में आपका दिख रहा है आपका कलर हाईलाइटेड है। तो आपको अब कलर को नहीं सिलेक्ट करना, सेकंड में भी प्रोडक्ट टाइप में आपको आईडी नंबर को सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए आईडी नंबर यहां भी सिलेक्टेड है, आईडी नंबर यहां भी सिलेक्टेड है। अब मैं जाके इसको ड्रॉप डाउन से मैं बोथ कर देता हूं और कर देता हूं ओके। अब मैं जाके देखता हूं मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ कि नहीं। जी हाँ, आप देख सकते हैं आईडी और आईडी बिल्ड हो गया है। मैं वापस जाता हूं अपने रिपोर्ट में, तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट विजुअलाइजेशन आ गया है। तो यहां पे दोस्तों हमने आज सीख लिया कि हम आपस में शीट को रिलेशनशिप कैसे दे सकते हैं, आपस में शीट्स को इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं ताकि सबका डेटा एक विजुअलाइजेशन में पॉपुलेट हो जाए। इसीलिए रिलेशनशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ बिल्कुल आ गई होगी। अपने कमेंट जरूर देना, आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे हमने सीख लिया, आप लोग ट्राई करिए, प्रैक्टिस फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने कमेंट्स जरूर देना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना।
चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि है टैक्स फॉर्मूलास। बहुत बहुत शुक्रिया।